हेलो दोस्तों, मैं माधवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माधवीज किचन में। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल सा इजी सा केक। आज मैं बनाने वाली हूँ वेनिला स्टीम केक। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। ये एगलेस है और इसमें हम केक को बेक नहीं करेंगे बल्कि केक को हम स्टीम करके बनाएंगे और एकदम सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हम वेनिला स्पंज केक बनाएंगे। सच मानिए, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस केक को, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है। रेसिपी आपको ज़रूर 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 पसंद आने वाली है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है बगल में उसे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बनाना ये स्टीम केक। तो ये स्टीम केक है तो इसके लिए पहले हम पैन में पानी डाल देंगे इस तरह का, और पैन में एक स्टैंड रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। इसे ढक कर हम पानी को उबलने देंगे। इसी पानी के ऊपर हम केक बनाएंगे। आइए अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा 5 इंच डायमीटर का केक टिन लिया है। इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें बटर पेपर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, केवल ऑयल लगाने से ही काम हो जाएगा। इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम बनाएंगे अपना केक का बैटर। तो केक के बैटर बनाने के लिए बोल में हम लेंगे 1/4 कप बिना फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल। इस रिफाइंड ऑयल की जगह आप मेल्ट किया हुआ बटर भी ले सकते हैं। 1/2 कप चीनी ले लेंगे हम। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ले लेंगे। 4 टेबलस्पून लेंगे हम मिल्क पाउडर। 1/2 कप पानी इसमें डाल देंगे हम और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट करेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। आप चाहें तो पानी की जगह दूध यूज़ कर सकते हैं और ये जो मिल्क पाउडर हमने डाला है इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये देखिए चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा को हम छान कर डालेंगे 1 कप। ये देखिए मैंने मैदा ले लिया है और मैदा को हम छान कर इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस केक में मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ करना चाहें तो मैदे के साथ उसे भी आपको डालकर छानना होगा। ये देखिए बैटर हमारा थिक है तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें एकदम स्मूथ बैटर बनाना है, इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए। इस तरह से मिक्स करते हुए स्मूथ बैटर बना लेंगे हम। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर हमारा बन गया है। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा पैकेट इनो पाउडर का। तो ये देखिए 1 छोटा पैकेट मैंने यहाँ पर ग्रीन वाला पैकेट लिया है इनो का। अगर इनो पाउडर को टीस्पून में निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 1 टीस्पून इनो पाउडर इसमें आता है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी इसे एक्टिवेट करने के लिए और इसे जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ। ये थोड़ा फास्ट करना है नहीं तो हमारा जो इनो पाउडर है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद जो केक हमारा है वो फूलेगा नहीं ठीक से। तो ये देखिए अच्छे से इनो को बैटर के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना फूल गया है और एकदम फ्लफ़ी हो गया है, ये देखिए। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी है। तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में जो हमने ग्रीस करके रखा था। थोड़ा सा टैप कर लेंगे इसे ताकि अगर कोई एयर बबल हो इसमें तो वो रिलीज़ हो जाए। तो अब हम इस केक को पकने के लिए डाल देंगे पैन में जिसमें हमने पानी उबलने के लिए रखा था। पानी हमारा उबलने लगा है तो इसे हम ढक देंगे ताकि पानी कंडेंस होकर केक के ऊपर ना जमे और उसका केक का ऊपर का लेयर चिपचिपा ना हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि पैन में पानी हमेशा रहना चाहिए। तो हम चेक करते रहेंगे, पानी हमेशा डालते रहेंगे पैन में और फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि पानी में उबाल हमेशा बना रहे। पैन को ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम स्टीम करेंगे 1/2 घंटे के लिए। ये देखिए 1/2 घंटे के बाद हम एक बार केक को चेक करेंगे। ये देखिए इसका ढक्कन हम हटाएंगे। ये देखिए पानी जो ऊपर में जमा है ना, अगर ये ढक्कन हम नहीं लगाते तो ये पानी केक के ऊपर जम जाता और केक का ऊपर का सरफेस चिपचिपा हो जाता। आप देख सकते हैं केक बहुत अच्छे से फूला है, देखने से लग रहा है कि ये केक अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो इसे हम एक बार नाइफ़ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए नाइफ़ भी बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से पक गया है अंदर। तो इसे हम पैन से निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं केक ने साइड्स भी छोड़ दिए हैं, ये प्रूफ है कि हमारा जो केक है अच्छे से पक चुका है।
तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा केक तब हम इसे केक टिन से निकालेंगे। ये देखिए केक बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो पहले हम इस तरह से नाइफ केक के चारों तरफ घुमा लेंगे ताकि केक अच्छे से केक टिन से अलग हो जाए। और अब हम एक प्लेट में केक को पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से केक बाहर आ गया है केक टिन से। आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है केक टिन, केक चिपका भी नहीं केक टिन में। ये देखिए कितना बढ़िया और स्पंजी ये वनीला केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी है ये केक, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट और स्पंजी केक बनता है ये। स्टीम करने और बेक करने में यही अंतर है कि जब हम बेक करेंगे ना तो इसके चारों तरफ का लेयर ब्राउन हो जाएगा, जो कि स्टीम करने के वक्त नहीं हो पाता है। ये केक आप प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं ताकि ये खाने में और देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। इसे आज मैं डेकोरेट करूँगी व्हाइट चॉकलेट से। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चॉप किया हुआ व्हाइट चॉकलेट ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गर्म दूध। ये बिल्कुल गर्म दूध है जो मैंने इसमें डाला है। इससे क्या होगा, ये व्हाइट चॉकलेट जो है हमारा वो मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून दूध और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसे हम मिलाते जाएंगे। अगर चॉकलेट मेल्ट ना हो रहा हो तो आप इसे थोड़ा सा और गर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो चॉकलेट है ये मेल्ट हो जाएगा। इसे हम साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए हमारा जो व्हाइट चॉकलेट है वो ठंडा हो चुका है। आपके पास अगर व्हाइट चॉकलेट ना हो तो आप मिल्की बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट हमारा ठंडा हो चुका है। तो आइए ये व्हाइट चॉकलेट गनाश हम डालते हैं केक के ऊपर। तो इस व्हाइट चॉकलेट गनाश को हम डाल देंगे केक के ऊपर। इससे हम केक को पूरी तरह से कवर करेंगे। ये जो व्हाइट चॉकलेट है ना, इस केक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इस तरह से व्हाइट चॉकलेट गनाश को हम केक के चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे, केक को पूरी तरह से कवर कर देंगे इससे। ये देखिए बहुत अच्छे से केक कवर हो जाता है इससे। ये देखिए हमारा जो केक है वो व्हाइट चॉकलेट से कवर कर दिया है मैंने पूरा। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं स्प्रिंकल्स से। तो मेरे पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स है, उससे मैं केक को इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी। चारों तरफ मैं स्प्रिंकल्स डाल दे रही हूँ केक के ऊपर। आपके पास कोई भी स्प्रिंकल्स है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट चॉप करके भी आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं केक को। आपको जैसा मन करे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए रेडी है हमारा वनीला स्टीम केक। लग रहा है ना देखने में बहुत ही शानदार। केक को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो चॉकलेट गनाश है केक के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम केक को कट करेंगे। तो आइए दोस्तों अब देरी किस बात की, इसे कट करके देखते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये केक बना है, एकदम पिलो की तरह, रुई की तरह सॉफ्ट है। ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट ये केक हमारा बना है। इसे देखने के बाद तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये केक स्टीम में बना हुआ है। खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है ये, और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। कितनी भी देर रख लीजिए ये केक ऐसे ही सॉफ्ट बना रहता है। ये केक परफेक्ट है हर ओकेजन के लिए और बहुत ही सिंपल और इजी केक है। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय।